करेंगे। चलिए सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। भारत माता की भाजपा के कार्यकर्ताओं का दम, भारत माता की। आज के दिन अपने देश भारत वर्ष की रक्षा करने वाले लाखों जांबाज सैनिकों का नेतृत्व जिनके हाथ में है, ऐसे हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ सिंह जी, मैं आपसे एक निवेदन इस प्रकार से भी करूंगा कि आपने इसी पंचकुला जिले की कालका क्षेत्र से हमारी उस 2019 की जो जन विकास यात्रा, उस यात्रा का जो आपने शुभारंभ किया और हम अपनी इस दूसरी पारी को बखूबी बहुत शानदार तरीके से खेल रहे हैं, आपकी उस हरी झंडी दिखाने का जो प्रताप है वो हमको मिला और हम आगे भी विश्वास करा दिलाते हैं कि इसी प्रकार हम इस यात्रा को चलाए रखेंगे। आज ये एक सौभाग्य फिर से हमको मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय पंचकमल का आप उद्घाटन करने के लिए आए हैं। इसी प्रेरणा से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आगे भी इस यात्रा को बरकरार बनाए रखेंगे। हमारे बहुत ही जुझारू संघर्षशील प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, जिनके नेतृत्व में पार्टी दिन रात बखूबी पूरी मेहनत से सब कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं, और जहां तक कार्यालयों का प्रश्न है, सभी 22 जिलों में जिलों के कार्यालय अथवा दो दो अपने प्रदेश के कार्यालय, जिसमें से एक रोहतक प्रदेश का कार्यालय बहुत जल्दी उसका उद्घाटन होगा, और आज ये पंचकुला का भी प्रदेश कार्यालय इसका उद्घाटन होने जा रहा है। ऐसे हमारे ओम प्रकाश जी धनखड़ जी को मैं सब कार्यकर्ताओं के साथ बधाई देता हूं। हरियाणा सरकार में मेरे साथी स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री श्री अनिल विज जी, शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी, हमारी महिला एवं बाल विकास की मंत्री बहन कमलेश डांडा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी, प्रदेश के हमारे संगठन मंत्री श्री रविंद्र राजू जी, हमारे तीन तीन सांसद यहां पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, जिनके साथ मैं, मुझे और ओम प्रकाश जी धनखड़, इनको भी काम करने का, हमको काम करने का इनके साथ मौका मिला, हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष श्री रतनलाल कटारिया जी, हमारे सांसद कुरुक्षेत्र से श्री नायब सिंह सैणी जी, सांसद करनाल के श्री संजय भाटिया जी, सभी उपस्थित हमारे विधायकगण व आत्मीय कार्यकर्ता बंधुओं, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का यह अवसर बहुत ही एक सुनहरा अवसर, क्योंकि जिस कार्यालय का जो उद्घाटन हो रहा है, ये कार्यालय मात्र एक भवन नहीं है मित्रों, ईंट गारे से बनाया हुआ, सीमेंट सरिये से बनाया हुआ एक भवन, उसको कार्यालय का नाम नहीं देते हैं हम। कार्यालय का नाम देते हैं जिसमें हमारे कार्यकर्ता अपने जी जान से, खून पसीने से, अपने मन के विचार से, अपने उत्साह से, उमंग से बैठ करके काम को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। इसको मंदिर का स्वरूप देते हैं, ये हमारा मंदिर है। जब यहां कार्यालय नहीं होता, पार्टी का काम तो वहां भी होता है, लेकिन घरों से जब पार्टी चलती है तो लोग उस व्यक्ति के हिसाब से पार्टी को जोड़ देते हैं कि इस व्यक्ति की पार्टी है, इस व्यक्ति की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का नाम थोड़ा नीचे हो जाता है, उस कार्यकर्ता का, उस नेता का नाम ऊपर हो जाता है, लेकिन हम चूंकि देश की एक ऐसी पार्टी है जो किसी व्यक्ति के हिसाब से नहीं,
एक सिद्धांत, एक विचारधारा, इससे चलने वाली पार्टी है। इस पार्टी को खड़ा करने में हजारों लाखों हमारे कार्यकर्ता नेताओं का खून पसीना लगा है। बहुत लंबा एक इतिहास है इसका। हमारे कंधों पर आज पार्टी का काम आगे बढ़ाने का दायित्व तो है, तो हमको पार्टी का काम कराने के लिए एक वातावरण भी उसी प्रकार का अच्छा वातावरण चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं कार्यालय की अपनी भूमिका है। वैसे तो कहते हमारी पार्टी के पांच कै ये उसकी भूमिका में रहते हैं, जिसमें कार्यकर्ता है, कार्यक्रम है, कार्यालय है, कार्य पद्धति है और हमारा कोष है। कोष के बिना भी बात चलती नहीं है। तो इसी पांच कह हैं जिसके ऊपर हमारी पार्टी व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ती है। लेकिन एक छठा कह भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। पांच कह तो किसी भी पार्टी के करल यानी काम के साथ जुड़े होंगे, लेकिन हमारे साथ छठा जो जिसकी चर्चा ओम प्रकाश धनखड़ जी कर रहे थे, वो है हमारा चुनाव चिन्ह कमल। वो भी एक कह है। तो इस कमल का अलग अलग प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। मैं जब कभी इस कमल के चुनाव चिन्ह का किसी ने सुझाव दिया होगा, चयन किया होगा, कहीं अगर इसके ऊपर विचार किया होगा, तो उनको बहुत सराहना करता हूं इस बात की कि बड़ा सोच समझ करके कमल का जो निशान ये हमने प्राप्त किया है, लिया है। जैसा हम जानते हैं कमल जो है कीचड़ में खिलता है और कीचड़ में गंदगी भी होती है, लेकिन जब कमल खिलता है तो कमल, हमने देखा होगा कि कमल की पत्तियों के ऊपर, कमल के फूल के ऊपर कोई गंदगी का कण, कोई पानी की बूंद वो टिकने नहीं देता। इस कमल में से हमको संदेश लेना है तो हम कमल जैसे पवित्र रहेंगे और कहीं भी किसी प्रकार का कोई गलत बात हमारे साथ न चिपक जाए, कोई ऐसी अनैतिक बातें हमारे साथ न जुड़ जाए। कमल की पवित्रता के समान हम कार्यकर्ता भी पवित्र रहेंगे। बहुत फिसलन है, खास करके राजनीतिक क्षेत्र फिसलनों से भरा हुआ है। हम समय समय पर कण कण पर कई बातें सुनते हैं कि यहां ये गड़बड़ हो गई है, वहां वो गड़बड़ हो गई है। उस गड़बड़ को सुधारने के लिए उसमें भी कमल की जो जड़ है, कमल की जो बेल है, उसका भी गुण होता है। कमल पवित्र ऊपर हमको दिखता है, लेकिन कमल की जो जड़ है, कमल का जो बीज है, वो उस पानी को साफ भी करता है। जिस गंदगी में कमल खिलता है, उस गंदगी को कुछ समाप्त करने के लिए कमल की जड़ें और कमल की जो बेल है वो अपनी भूमिका निभाती है। तो हम लोग उस गंदगी को साफ करने के लिए कितने प्रकार के काम, हमारी केंद्र सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रोजाना कोई ना कोई नई बात हमारे विचार को, देशभक्ति के विचार में ओतप्रोत करने के लिए। अभी हमने देखा कि जैसा स्वतंत्रता दिवस, इसको हमने इस बार अमृत महोत्सव का नाम दिया। 15 दिन पूरा देश देशभक्ति के कैसे वातावरण में हर घर तिरंगा के नाम से चला। तो ऐसे वातावरण को बदलने में, इन गंदगी को समाप्त करने में, देश में हो चाहे प्रदेश में हो, जहां जहां हमारी सरकारें हैं, हमने कितने ही ऐसे काम किए हैं इस भ्रष्टाचार रूपी कैंसर को समाप्त करने के लिए, अनैतिक कामों के प्रति सख्त रवैया अपनाने के लिए। हमने बिना पर्ची खर्ची के अगर कहीं नौकरियों देने की बात की है, तो इस समाज में फैली गंदगी को साफ करने का हमने काम किया है। हमने गरीब आदमी की सेवा करने के लिए जो भीड़े उठाए हैं, जितनी योजनाएं बनाई हैं, वो भी एक समाज की जो भ्रामक स्थिति है, समाज की जो न्यून स्थिति है, उसको ठीक करने के लिए गरीब आदमी को भी मुख्य धारा में आगे बढ़ने का एक अवसर मिले, इसलिए हम काम कर रहे हैं। तो मित्रों, कार्यालय केवल मात्र भवन का उद्घाटन आज हो रहा है ऐसा नहीं है, बल्कि एक संदेश, एक विचार, एक सिद्धांत, इसको आगे बढ़ाने में हमारी भूमिका, हमारे कार्यालय की भूमिका, इस सबको हम आज याद कर रहे हैं। तो आज के इस अवसर के ऊपर जितने भी हम काम कर रहे हैं इसके समय में, मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। इसी प्रकार के हम कामों में आगे बढ़े, आगे लगे रहें, क्योंकि आदरणीय राजनाथ सिंह जी का हमको संदेश सुनने को मिलेगा। इसलिए बहुत अधिक बोलने की आवश्यकता न होते हुए मैं
पुनः आप सबको बधाई देता हूं और माननीय राजनाथ सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे इस कार्यालय के उद्घाटन के कार्यक्रम में आप आए, हमको आप मार्गदर्शन देंगे।